यहाँ पर प्राचीन काल से यहाँ पे माना जाता है यहाँ पर डायनो का निवास हुआ करता था। माना जाता है कि यहाँ पर रात को डायनो यहाँ पे झूला झूलने के लिए आती थी, इसकी वजह से यहाँ पर झूले भी वो गायब हो चुके हैं यहाँ पर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ भूतिया डायनो पार्क जगह में। अभी मैं पहुंच चुका अपनी गाड़ी के पास, मैं अभी खड़ा हूँ, मेरे साथ जाने वाले और भी आप लोगों के साथ उनकी मुलाकात भी कराऊंगा। सो आपको लेके जाऊंगा मैं आज भूतिया डायनो पार्क में, मजा आएगा इस वीडियो में, सो वीडियो एंड तक देखना। और सामने जो शख्स खड़े हुए है हमारे भाई और भाभी जी, ये साथ में जा रहे हैं, वेट कर रहे थे। और हमारे साथ हमारे भाई भाभी जा रहे हैं, तो थोड़ा सा जा रहे हैं हम लोग डायनो पार्क भूतिया वाली जगह पे। ठाकुर तो आज बहुत ही खुश है, हम भूतिया जगह भूत देखने जा रहे हैं ना यार आज। तो मैं पहुंच चुका अब डायनो पार्क में, चलो फिर डायनो पार्क लेके चलते आप लोगों को। अब ये रहा एंट्रेंस डायनो पार्क का, अब चलते हैं इसके अंदर। ये रही गोगरधार, और सामने आप लोग ये देख सकते हैं इस तरफ ये कुल्लू की ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, और बर्फ भी हाल ही में यहाँ पर गिरा है, इस तरफ देख सकते हैं आप लोग। डायनो पार्क, चलो आपको इस जगह से रूप रुक रहा था। डायनो पार्क इसका नाम पड़ा कि यहाँ पर पहले डायनो का निवास हुआ करता था, प्राचीन काल से मान्यता थी यहाँ पर, और उस दौरान से यहाँ पर हर वर्ष यहाँ पर डायनो और दिव्य के बीच में यहाँ पर भयंकर युद्ध होता है। वो हर वर्ष एक महीने के लिए यहाँ पे युद्ध होता है, जिसके दौरान यहाँ के लोकल सारे दिव्य के मंदिर यहाँ पे टोटली बंद रहते एक महीने तक। एट लास्ट जब रिजल्ट का पता करना हो तो कौन जीता कौन हार, तो लोग अक्सर अपने लोकल देवी देवता के मंदिर में जा जाके पता करते कौन विजय रहा, देवता विजय रही या डायनो जीत रही। आप लोग यहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर झूले हुआ करते इस टाइम पे। यहाँ पे माना जाता है कि यहाँ पर रात को डायनो यहाँ पे झूला झूलने के लिए आती थी, इसकी वजह से यहाँ पर झूले भी वो गायब हो चुके हैं यहाँ पर। डायनो पार्क यहाँ पर आप लोग आ सकते घूमने के लिए, बहुत ही अच्छी जगह है ये, और पत्थर से 9 से 10 किलोमीटर ऊपर एक गोगरधार में सिचुएटेड है। आप लोग कभी आए और यहाँ पे आके आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके आपको कैसा लगा यहाँ पर आके, वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप कभी आएंगे तो। डायनो पार्क में हम मोमो को एंजॉय ले रहे खाने का, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मोमो खाते हुए। हमारे बड़े भाई भाभी छोटे भाई यहाँ पर, एक अच्छी बात अगर आप लोग यहाँ पर आएंगे घूमने के लिए तो आप लोग यहाँ पे नाइट स्टे लगा सकते हैं। यहाँ पर सरकार की तरफ एक फैसिलिटी यहाँ पे कि रेस्ट हाउस यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पे नाइट स्टे लगा सकते हैं। इस तरफ आप लोग देख सकते हैं ये रहा चौर वैली, और उसके पीछे ये हाथीधार है। यहाँ पर बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को जुकाम हो सकता है यहाँ पर, ज्यादा देर में यहाँ पर रहा तो।
अंकुश भाई, फिर आप डायना पार्क गए थे आज हमारे साथ, तो कैसा लगा आपको? क्या वीडियो बन रही है? हाँ वीडियो बन रही है भाई। यार बहुत अच्छा लगा, काफी लंबे टाइम के बाद मैं गया डायना पार्क। सुरेंद्र भाई मैं आपको एक बात बताना, मैं वहाँ पे मैंने महसूस किया ना, मेरा मन कसम से यार मेरे घर आने का वहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं करता यार। हाँ यार अभी कॉल आ रही है, एक सेकंड यार। पहाड़ है वहाँ पे, अपने फोन को साइलेंट कर लेता हूँ, कॉल पे कॉल आ रही भाई यार। हाँ, कर लो। मैं ये कह रहा कि वहाँ की बहुत अच्छी जगह है और आप लोग पद्धर से भी जा सकते हो। पर डायना पार्क पद्धर से ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर और मंडी से 30 या 35 के आसपास एक टिंडी होके आप घोघरधार से होके आप आ सकते हैं। मंडी से काफी नजदीक है और जोगीनगर से भी 35 के आसपास है, 40 के आसपास ही है। अगर आप लोग जोगीनगर तब से भी आएंगे तो आप घटासनी होके जिटिंगिरी होके भी आ सकते हैं। वहां से तो बहुत ही लाजवाब घोघरधार का सारा व्यू आप लोग देख सकते हैं डायना पार्क पहुंचते पहुंचते। आई थिंक आप पहली बार ही गए हो ना मेरे साथ ना? पहली बार ही ना आप, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो हमारे व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? सो आप बता सकते हैं मेरे भाई। मेरा यही कहना है कि आओ यहाँ पे, देखो डायना पार्क कैसा पार्क है। हाँ। यहाँ की फीलिंग लो, बहुत ही ठंडी हवा, खुद महसूस करो कैसी जगह है, बिल्कुल आपको खुद लग जाएगा पता। और देखने के लिए बहुत कुछ है, सामने पहाड़ दिखाई देते हैं बर्फ से ढके हुए। आपने कैसा कैसा वहाँ पे महसूस किया? महसूस तो बहुत अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पे ऊंचाई पे बहुत ही ऊंचा है डायना पार्क और ठंडी हवा, आसपास देखने के लिए बहुत सारी जगह है वहाँ पे। सामने उरंगनाइन का जो मंदिर है, इधर से चौर वैली की सिर्फ नाम से आप डर मत जाना गाइस, ठीक है? और आइए, आप सभी का वेलकम है, देखिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको दिखा रहे हैं डायना पार्क और आप लोगों को बेहतरीन जगह भी और बताएंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो मौका मिलेगा आपको, और अच्छी बेहतरीन जगह दिखाएंगे हम आपको आने वाले टाइम पे भी। बहुत सारी जगह है जो आपको दिखानी है, अभी बाकी है, अनएक्सप्लोर्ड है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे हम उनको अगली नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे जरूर। तो बने रहिए हमारे साथ और राजपूत अंकुश ठाकुर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। सो आज हम ही वीडियो एंड करते हैं। सुरेंद्र भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए वीडियो साथ। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।